तो किमुरा को लेकर तुम्हारे मन में क्या है? पता नहीं, तो तुम कहना चाहते हो कि वो किम बुन होंग जैसी दिखती है? मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। तुम पहचान नहीं सकते। तो अब क्या होगा? कुछ सोचा है? उसके चेहरे के अलावा उसका बोलने का तरीका और बिहेवियर से। ये सब बकवास है। वो दूसरी लड़की का क्या नाम है? मिंतरा, तुम्हारा जवाब तुम्हारी आंखों के सामने है। यूचैन, तुम मेरी बात ठीक से सुनो। तुम्हें एक राय देता हूं। तुम जानना चाहते हो कि बुनहोंग ने तुम्हें क्यों छोड़ा, या तुम उससे अब भी प्यार करते हो? अगर तुम अब भी इस जवाब की तलाश में हो कि वो क्यों चली गई, तो अंत में दर्द तुम्हें ही होगा। तो इसका एक ही हल है, तुम मिंतेरा के साथ जाओ। भूल जाओ बुनहोंग के बारे में। मिंतेरा जैसी लड़की की तुम्हें जरूरत है। उसका जीवन स्थिर है, वही तुम्हारे लिए सही है। किम्बोरा तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इस वक्त जो महसूस कर रहे हो वो किम्बोरा के लिए नहीं है, वो सच नहीं है। बेवजह किसी मासूम को परेशान करना बंद करो, खासकर तब जब तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं चलता हूं। कहाँ? तुम इतनी सुबह सुबह बस ये बात करने आए थे? हाँ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? तुम हमेशा ऐसी रंगीन लड़कियों से ही क्यों आकर्षित होते हो? जैसे बुनहोंग पिंक और पर्पल बोरा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हें किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाऊं क्या? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कभी तुम हंसने लगती हो, कभी सीरियस हो जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रात को कितने बजे आई थी? सुबह 4 बजे। तो सारी रात तुम उस दोजिन के साथ थी? मैंने कहा था ना, उससे दूर रहना, वो लड़की बाज है। वो हमेशा ऐसे थोड़ी ना रहेगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम फिकर मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, सब मेरी गलती है, सच में। बोरा, आज तुम्हें पहली सैलरी मिलने वाली है। इस वीकेंड हम शॉपिंग जा रहे हैं ना? एक महीना पूरा हो गया, फिर तो सैलरी आएगी। डेथ में सच में महीने के आखिर में चिंता कितनी बढ़ जाती है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे निकालेंगे? मुझे तो एक ही महीना हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, बकवास है। हमारे सीईओ जैसे हैं, उन्हें देख के कोई आराम नहीं कर सकता। अरे ये हो सकता है। अब हम क्या करें? बस काम करते रहो। सबका दिन मंगलमय हो। वो बात और है, आज महीने का आखिरी दिन है। आओ तो देखते हैं किसका नंबर लगने वाला है। देखते हैं आज किसकी नौकरी जाएगी। बधाई हो, आपको नेक्स्ट टीम से निकाला जाता है। गुड बाय।
ठीक है, डेट पे चलते हैं। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे कोई रीजन नहीं मिला तुम्हें डेट ना करने का, तो हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना करते हुए डेट पे चलते हैं, ठीक है? See you. यूचेन, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ऑफिस में दिखाई नहीं दिए और फोन भी नहीं उठा रहे थे। एक शब्द भी मत बोलना, मुझे बात नहीं करनी। क्यों? आपने मुझे क्यों निकाला? मेरा गेम अब भी टॉप 100 में है, ऐसा क्या हो गया? अगले महीने 200 पार चला जाएगा, उसके बाद लिस्ट में दिखाई भी नहीं दोगे। मैं मानता हूं तुम्हारे गेम को पसंद किया गया है, लेकिन ये साल भर पुरानी बात है। अब तो तुम्हें यहां काम करते हुए 2 साल हो गए और तुम्हारे गेम से वो पैसे मिलने बंद हो गए जो पहले मिला करते थे। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तुम्हारे टैलेंट पर मुझे कोई शक नहीं है, पर मुझे तो इससे नींद आ रही है और इसका अपग्रेड भी बेकार है। तुम्हारे पास और कुछ बोलने के लिए है जो ज्यादा नया और मजेदार हो? क्या तुम इस पे पूरी जिंदगी निकाल दोगे? लेकिन 2 साल तक काम करने के लिए शुक्रिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम बेकार हो। बाय। बेकार। तुम भी अब संभल कर रहना, वरना मेरे जैसा हाल होगा। चादो जिन, उसने जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना, तुम जानते हो वो कैसा है। शूटर बहुत अच्छा गेम था, मुझे अब भी लगता है। नहीं, वो गेम खत्म हो चुका है। सीईओ ने जो कहा वो सच कहा, जानकर अच्छा लगा। तुमने इस बात का बुरा नहीं माना। टाइसन में मैंने तुम्हें रिकमेंड कर दिया है। मिस्टर ली चाहे जो सोचे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब जाओ और उन्हें साबित कर दो कि वो गलत हैं। मैं सीओ ली की वजह से नहीं, खुद से नाराज हूं। ली उचान हमेशा ली उचान ही रहेंगे, लेकिन मैं यहां खड़ा रहकर आपकी बकवास क्यों सुनूं? आप यहां कुछ भी नहीं करते। खैर जो भी हो, नेक्स्ट ने मेरी काबिलियत देखकर मुझे काम पर रखा। तुमसे तो बेहतर हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, क्योंकि मैं लियो चांद के टुकड़ों पर नहीं पलता हूं।
तुम्हें नहीं लगता मेरी जगह तुम्हें टाइसन ग्रुप जाना चाहिए? तुम क्यों नहीं जाते? मुझे लगता है दोजिन बहुत नाराज है। क्या आपको इस बारे में फिर से सोचना चाहिए? उनको फिर से एक चांस दीजिए। उन्होंने भी बाकियों की तरह खूब मेहनत की है। वो हमेशा नए आइडियाज लेकर आते हैं और सबसे जरूरी बात, वो हमेशा आपको रिझाने की कोशिश करते रहते हैं। तुम जरा भी नहीं बदली, तुम्हें कितनी बार समझाऊं? कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मुझे इमोशनल लोग जरा भी पसंद नहीं है। तुम बॉस हो, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? ये सब मेरी वजह से तो नहीं? क्या आपने गैलरी में जो मुझसे कहा था, मुझे पहले ये बताने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे और उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, हम तो बस दोस्त हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें मिन तरह समझ के बात कर रहा था। मुझे लगा वो है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो। चाहे कुछ भी कर लो, मैं क्यों करूंगा? तुम्हें लगा हम निकलो। जादव जिन इस वक्त कहां है? ठीक है ना वो? पता नहीं, मैंने उसको कॉल किया था, उसने फोन ही नहीं उठाया। वो जता नहीं रहा, लेकिन तकलीफ हो रही है, तभी दूरी मेंटेन कर रहा है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पास पैसा भी है और काबिलियत भी। उसने हमेशा अकेले ही काम किया है ना, तो फिर से कर लेगा, फिर से शूटर जैसा कुछ बनाएगा और खुद के लिए प्रॉफिट बनाएगा। इतना आसान होता तो 2 साल यहाँ पर टिकता क्या? ठीक है, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम इतनी उदास क्यों हो? शादो जिन की वजह से? अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतनी तरक्की करोगी। 6 साल पहले जेजू आइलैंड पर तुम एक छोटी बच्ची थी, है ना? ये अपना नेशनल एग्जीबिशन यहाँ करना चाहते हैं, क्या आप मंजूरी देंगी?
उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी पसंद बहुत हटके है। अब मैं और घरेलू एग्जीबिशन नहीं चाहता। ये छोटी छोटी एग्जीबिशन करके मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन तुमने आर्ट गैलरी खोली है तो मैं ऐसे ही थोड़े बैठा रहूंगा, कुछ तो मैं करूंगा ही। मैं तुम्हारी गैलरी की मार्केटिंग में मदद करना चाहूंगा। जी। ये मेरा न्यूयॉर्क में किए गए काम का ब्यौरा है। वहाँ लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, कई तरह के टाइटल भी मिले, सब कुछ देखने लायक था। आपके पास कोई नया काम है क्या? नए प्रोजेक्ट्स? मैं तेरा बोल रही हूँ। तुम्हें तुम्हारा नाम कहने की जरूरत नहीं है। आज सुबह मुझसे मिले बिना क्यों चले गए? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे क्या? हाँ। क्या बात है? चलो डेट करते। वैसे ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती। तुम नहीं चाहती? चाहती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें नीचे आना होगा। मैं यही हूँ। हाँ, बाहर आओ। अभी सही समय नहीं है, काम कर रही हूँ मैं, और आज मैंने अजीब सी लिपस्टिक भी लगाई है। कोई बात नहीं, सब अच्छा है, तुम टेंशन मत लो, तुम अच्छी लग रही हो। वाह, मेरी तारीफ कर रहे हो, यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सही वक्त नहीं है। वो आदमी कौन है वहाँ, कोई आर्टिस्ट? नहीं, अभी आ रही हूँ। ये पेंटिंग्स मुझे पसंद नहीं आई, माफ कीजिएगा। बहुत उम्मीदें मत लगाओ, मैं खुद नहीं जानता। जब भी तुम मुझसे बोर हो जाओ तो बता देना। वाह, वैसे तुम्हारे पूछने का तरीका बढ़िया है। तो इसे मैं क्या समझूं, यस और नो? हाँ। बढ़िया, बाद में मिलते हैं। ये क्या बात हुई? वैसे मेरी भी एक शर्त है। वो क्या है? मुझे किस करो। यहाँ? किम बोरा हूं। तुमने देखा, आज से मैं और मिंत्रा साथ में, समझी? और ना कि तुम हो। मुझे पता है कि तुम मनी मन मुझे चाहती हो, सपने मत देखो, मैं तुम्हारे कभी हाथ नहीं आने वाला हूं।
मैंने कभी आपके सपने नहीं देखे। अच्छा कोई बात नहीं, साफ कर लीजिए, लोग देख लेंगे। जादू जिनसे ये काम है क्या? निकल ही नहीं रहा। तुम भी ना पता नहीं क्या सोच रही थी बोरा, इसी में तुम्हारी भलाई है। समझ जा, एक बड़ा वही एक सुंदर बेबी, बहुत अच्छी जोड़ी है। खा लो, अब खा भी लो, खाना ठंडा हो जाएगा। और ऐसे वक्त तो खास तौर पर खाना चाहिए, दिल का दर्द पेट तक पहुंच गया तो तकलीफ होगी। तुम कुछ दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, शायद कोई आइडिया आ जाए। कैसा नया आइडिया? तुम्हारे बिजनेस के लिए। युचैन ने भी तुम्हारी उम्र में कंपनी शुरू की थी ना, जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बस एक शूटर जैसा आइडिया चाहिए। मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो काम कर जाए, लेकिन मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा, दिमाग खराब हो गया है मेरा। ऐसे वक्त में किसी को कुछ नहीं सोचता, होता है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम भी ये बात जानते हो। मुझे तो लगता है युचैन तुमसे जलता है। कुछ गलत कहा? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है। चलो खाते हैं। तुम नूडल्स खाओगे? ऑर्डर लेने कोई आएगा? प्लीज हमारे लिए दो नूडल्स ले आइए। पता है तुम कितने किस्मत वाले हो, कोई और होती तो छोड़कर चली जाती। ये बात है तो तुम क्यों टिकी हुई हो? ताकि तुम्हें खिला के मोटा करूं। क्या? आई लव यू ना, इसलिए नहीं जाऊंगी। ओह मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, प्यार। हाँ 3 महीने और रुक जाओ, फिर देखना, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। अब बारी है शूटर 2 की। ओह ये खाओ। हाँ शुरू करें? हाँ चीयर्स। ओहो तुम कर क्या रही हो? बस बैठी हूँ। दोजिन कैसा है? मैं तो उसका मन रखते रखते थक गई हूँ। उसके साथ घूमने जाती हूँ, उसे खुश रखना चाहती हूँ। मेरा आधा पैसा तो उसी पर खर्च हो रहा है। तुम्हें सच में दोजिन पसंद है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी ऐसे वैसे पर पैसे खर्च करूँगी? सही कहा, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। मुझे पसंद है। तुम्हें वो क्यों पसंद है? मुझे क्यों पसंद है? मुझे नहीं पता, कभी कभी तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? कि लाइफ में पहली बार मुझे जीत हासिल होने वाली है। जादोजिन के पास ही वो सुनहरी चाबी है जो मुझे चाहिए, समझी? मैनेजर बनने में 10 साल और डायरेक्टर बनने में 20 साल लगते हैं। मुझे लगता है जादोजिन ये काम बखूबी कर लेगा। मैंने इस पर काफी रिसर्च किया, दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम्हें तो पता ही होगा अच्छे से, सीईओ युचैन को ही तो देख लो, उन्होंने तो देखते ही देखते अरबों कमाने वाली कंपनी खड़ी कर दी, यूनिकॉर्न। और अगर उसके पास वो चाबी ना हुई तो फिर जिसके पास है उसे ढूंढना होगा। देखो ऐसी बातें मत किया करो मिसो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ पर बाकी नहीं समझेंगे, वो तुम्हें गलत लड़की समझेंगे। क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे गलत लड़की समझती हो? बाकी लोग ऐसा सोचेंगे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ,
तुम बताओ, तुम्हारे मन में भी तो यूचैन को लेकर कुछ है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर होगा भी तो उसके पैसों और काबिलियत की वजह से नहीं होगा। अच्छा, अगर वो किसी दुकान पे काम करता होता तब भी? हाँ, और वैसे भी यूचैन किसी और से प्यार करता है। कौन? तुम्हारा मतलब वो अमीर लड़की? ये बात है इसलिए तुम इतनी उदास लग रही हो। ठीक है, मैं पैसा देखती हूँ, लेकिन तुम पूरी नकली हो। क्या? सब लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से जी रहे हैं। अगर तुम होशियार हो तो अपना दिमाग लगाकर सफल हो जाओ। जादू जी ने अपनी टेक्निकल नॉलेज से सफल हो सकता है, क्या बुरा है? वैसे ही मेरा हथियार मेरी खूबसूरती है, समझी? मैं अपनी खूबसूरती से किसी को फांस कर अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? हथियार खूबसूरती है तो मॉडल या हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? अब इतनी मैं खूबसूरत नहीं हूँ, अगर मैं भी इतनी होशियार होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, मैं काफी वक्त से ये कहना चाह रही थी कि जब मैंने इस घर का पूरा डाउन पेमेंट किया है तो किराया आधा आधा बांटने का क्या मतलब बनता है? वो इसलिए क्योंकि अगले महीने से तुम 70 दोगी और मैं 30% दूंगी। क्या मुझे पैसों से प्यार है? हे किम्बोरा, बाहर आके खाना खा लो। ये सब क्या है? रात को बहुत पी ली थी, मुझे लगा सूप ठीक रहेगा। पैसों के पीछे भाग तुम नकली लड़की। क्या बचपना है, तुम्हारी पहली सैलरी आ गई? आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। पिक्चर लेते हैं। बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंजूस कहीं की। इतने तोहफे क्यों खरीदे, तुम तो इतना कमाती भी नहीं। मेरी पहली सैलरी है ना, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, ये दादी के लिए, और ये तुम्हारे लिए। चलो खोलो। मेरे लिए? मेकअप है, तुम खरीदना चाहती थी ना। ओ मेरे लिए, तुम कितनी अच्छी हो। और वो सब किसके लिए? तुम उसे डेट कर रही हो? हाँ। तो क्या यूचैन मान गया? कोई अकेले कैसे डेट कर सकता है? कितना क्यूट है। अफवाह हर जगह फैल गई। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? यूचैन ऐसा नहीं कर सकता। मैं गलत था। ये तो अच्छी बात है, ये सच में बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस बारे में तुम्हारे पापा की क्या राय होगी। जो भी है, मैं उनके हिसाब से नहीं चलने वाली। मुझे लगा तुम उसके साथ ऐसे वक्त बिताना चाहती हो। खैर, अब जो भी होगा किसे पता। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता पापा को एतराज होगा, वो भी तो बिल्कुल यूचैन जैसे ही है, एक एंटरप्रेन्योर। बड़े घरों के वारिस मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, और छोटे लोग अपने से ऊंची जगह पर बैठे इंसान की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। पापा को दोनों तरीके के लोग नहीं पसंद आते। यही कारण है ना कि तुमने टाइसन ग्रुप को छोड़ दिया, क्योंकि तुम चाहते थे कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करे। नहीं, मेरे अपने उसूल हैं। सच में? फिर तो
तुम्हें मेरी साइड होना चाहिए। क्या? अगर मेरा रिश्ता यूजन के साथ सही रहा तो पापा के पास एक और रीजन आ जाएगा उसे पसंद करने का। पापा की प्रायोरिटी फिलहाल तो तुम ही हो ना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हारी कंपनी का वारिस मुझे नहीं बनना, लेकिन अगर किसी की साइड लेने की बारी आई तो मैं तुम्हारी साइड लूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू। यस सर। हाँ 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 बिल्कुल, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, हाँ मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। बोरा आओ, क्या बात है? वाइस प्रेसिडेंट, ये आपके लिए, ये लीजिए। ये क्या है? प्रेजेंट है, मेरी पहली सैलरी मिली ना इसलिए। मेरे लिए? आपकी वजह से ही तो मुझे ये नौकरी मिली थी। अब ज्यादा महंगा नहीं है, आपने जो मेरे लिए किया उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है। अच्छा जरा देखें तो, क्या लाई हो? नहीं नहीं नहीं, बाद में। वो, ये तो टाई है। ये तो बड़ी सुंदर है। वाह। डैडी लॉन्ग लेग्स की है, इसे देखते ही मुझे आपकी याद आती है। आप सिर्फ मेरी ही नहीं, यहाँ पर मौजूद सबकी मदद करते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यहाँ कई लोग आए और काफी पैसा कमा कर गए, पर तुम पहली हो जो मेरे लिए तोहफा लाई हो, मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया। ठीक है तो मैं चलती हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी सोशल लाइफ पे बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई होता ही है मुझे पहचान बताने वाला। देखो, इस बीमारी के अक्सर दो कारण होते हैं, दिमाग का ठीक से काम ना कर पाना या फिर कोई डिसऑर्डर होना। मुझे दूसरा वाला है ना। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि मुझे सिर पे चोट तो नहीं लगी। तो फिर तुमने कब से लोगों को पहचानना बंद कर दिया है? मेरा मतलब है, इस सब की शुरुआत कब हुई? तुम्हें पहले से कोई तकलीफ थी या फिर ये सब बाद में शुरू हुआ? कैसा रहा? सब एक ही बात करते हैं। पर वो अलग हैं, जाने माने डॉक्टरों में एक गिने जाते हैं, पूरे कोरिया में इनसे बेहतर कोई नहीं। मैंने कहा ना बेकार है। पर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूरी कोशिश करोगे। मुझे इससे इतनी भी परेशानी नहीं होती, बस बिना शक्ल पहचाने मुझे मेरी पूरी जिंदगी निकालनी है। पर मुझे ठीक नहीं लगता ना। मेरा मतलब, परेशानी वाली बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने से गुजरने पर तुम्हारा ठंडा चेहरा परेशान करता है मुझे। मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मुझे बुरा लगता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कभी खत्म होगा। उसका चेहरा तुम्हें याद है, किन बुन होंग का? सॉरी,
आज के बाद से मैं ये नाम वापस नहीं लूंगी। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मूवी देखने चले? मुझे काम पर जाना है। हाँ, तुम और तुम्हारा काम। मैं जरूरी हूँ या काम? काम। मन रखने के लिए झूठी बोल देते। ठीक है फिर, शुक्रवार को। ये कैसा रहेगा, क्या कहते हो? ठीक है फिर। क्या मूवी देखना जरूरी है? मुझे इतनी भीड़ में जाना पसंद नहीं है। Follow me. पहली सैलरी के लिए शुक्रिया। आपकी वजह से मैं एक जिम्मेदार बेटी बन पाई। किम्बोरा। वेलकम। ये लोग कौन है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? हमारी डायरेक्टर्स मीटिंग है आज। बुरा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, इन्हें जमा दो प्लीज। हाँ। कैंचन सो। हाँ? कैंचन सो, यूजेन ऑफिस में आ गया क्या? हाँ, शायद आ गए। ओह, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? क्योंकि शायद उन्होंने आज छुट्टी ली है। कई दिनों से रात में जागकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 10 मिनट में उसे मेरे सामने लाओ, समझ गए? और उसके कपड़े बिल्कुल ठीक होने चाहिए। हाँ? सीईओ, सीईओ, सीईओ। जल्दी करिए, सब आप पे इंतजार कर रहे हैं। ये धीरे धीरे क्या है?
आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मीटिंग है? मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम्हें बताना चाहिए। मुझे भी नहीं बताता। हटो, ठीक हो गया, जल्दी जाओ, मेरा सूट लेके आओ। ठीक है। ये लड़की भी ना, ये लीजिए। रुको, तुम्हें टाई बांधनी आती है? अरे जल्दी करो। हाँ मैं फास्ट हूं ना, टाई और कसके बांधू क्या? हाँ जो भी, तुम्हें टाई बांधने कैसे आती है? एक किताब में पढ़ा था। और तुम्हें अब तक याद है? जल्दी करो गाइस, देर हो रही। हाँ चलो। क्या आपके हिसाब से इतना पैसा एक सर्वर फार्म में लगाने का कोई मतलब है, वो भी इस वक्त? पिछले 2 सालों से कंपनी को कोई फायदा भी नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से इस वक्त बिजनेस को एक्सपैंड करना सही नहीं होगा, और वो यूसी और डीएस वाली बात तो तुम्हें भूल ही जानी चाहिए। मैं जानता हूं तुम जवान हो और काम करने के लिए उत्साहित, पर मुझे ये बात समझ नहीं आती। हमें दुनिया भर से मिनी फाइल के सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त सर्वर फार्म लगाना बिल्कुल सही रहेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम ने सेल्स में अच्छा काम नहीं किया है। मुझे लगता है आप लोगों को एक बार फिर डीएस में पैसा लगाना चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं, 10 मिलियन से ज्यादा के समझौते के लिए आप लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ सारे मेंबर्स से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना मजाक की बात है? मजाक था? तो आप ये कह रहे हो कि हम प्रोजेक्ट के बारे में ना सोचे बल्कि आपके कमाई के बारे में सोचे, सही कह रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आपकी बात मैं समझ गया, चलो हम फिर मिलते हैं। और वैसे भी आप सभी के बैंक अकाउंट बैलेंस में जीरोस, मैं ही बढ़ा रहा हूँ। मैं रात रात भर जाकर कंपनी के लिए नए प्रोग्राम्स और इन्वेंशंस करता हूँ, जबकि तुम लोग पूरी रात सोते हो, पार्टियां करते हो, मजे करते हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरा सोचिए, अगर मैं नहीं होता तो आपके बैंक अकाउंट में कितने जीरो होते, सोचिए। आइए,
माफ कीजिएगा, आपको पता ही है कि वो अभी बच्चा है और आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे कैसी हरकतें करते हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों को तो समझदारी से काम लेना चाहिए, है कि नहीं? उसे एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, भले ही वो सीईओ हो या ना हो। जी कैसा एटीट्यूड? आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी सब बातें मानूं, आपके सामने भीख मांगूं? ये सब मुझसे नहीं हो सकता, सॉरी बाय। आप लोग मेरे साथ आइए, पास में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ खाएंगे। आइए 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 आइए। बोरा देखो मैंने टाई पहनी है, कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर। आज रात के खाने का क्या प्लान है? कुछ भी नहीं, चलो आज बाहर खाते हैं। फ्रेंच फूड ट्रक के बगल में एक नया इटालियन फूड ट्रक खुला है। मिलते हैं। ठीक है, इटालियन फूड ट्रक। मुझे लगा तुम्हें भीड़ नहीं पसंद। मैं तो भूल ही गया था कि तैसान ग्रुप की मालिक मेरे साथ है। मेरे पैसों की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करती हूँ और कुछ नहीं, पर तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलो बैठो। न्यूयॉर्क में जब ये फिल्म लगी थी तब मैं इसे देख नहीं पाई थी। मैं बहुत खुश हूँ इस तरह तुम्हारे साथ ये मूवी देखने को जो मिल रही है मुझे, यही होना लिखा था। वैसे जब आसपास लोग ना हो तो तुम मौके का फायदा उठा सकते हो। इसका मतलब? जैसे हाथ में हाथ डालकर बैठना या फिर किस करना। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम इतनी गहरी नींद में जो थे। सॉरी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम थक गए हो? तुम देर तक काम करते हो और खाना भी नहीं खाते। जब मैं कुछ बना रहा होता हूँ तब मुझे मजा आता है। ये बात है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर थोड़ा प्यार भी बढ़ा लें। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी डेट पे हर बारी हर कुछ मुझे ही क्यों तय करना पड़ता है? पहले मैं ना कभी भी प्लान नहीं करती थी, जब जो मन में आया वैसा करती थी। पता नहीं तुम जैसे रोबोट के चक्कर में कैसे पड़ गई मैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है ठीक है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपने तो इटालियन फूड ट्रक कहा था ना? इटालियन फूड ट्रक जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो बहुत महंगा होगा। जब वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हें लगता है बिल तुम्हें देना पड़ेगा? तुम्हारे दिए तोहफे के बदले कुछ तो मिलना चाहिए तुम्हें। ये समझ लो तुम्हारा आखिरी मौका है।
अगर ऐसी ही बात है तो मैं ऑर्डर कर ही देती हूँ, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पर अगर मेरी बहन उसका बॉयफ्रेंड हमारे साथ बैठ जाए तो कोई दिक्कत है? वैसे बॉयफ्रेंड को तुम जानती हो। जल्दी आ गए? हाँ थोड़ा जल्दी। ये हमारी एम्प्लॉय है, इसका नाम है किम बोरा। हाँ मिस बोरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों ही अकेले कपल हो क्या यहाँ? हम भी यहाँ कपल हैं। भाई सच में? ऐसी कोई बात नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट मजाक कर रहे हैं, हम बस साथ में कभी कभी बाहर जाके खा पी लेते हैं, बस इससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं है हमारा। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी जल्दी मेरा पत्ता कट गया। हो क्या रहा है, मुझे तो ये मजाक नहीं लगता। हाँ सच में वो मजाक कर रहे हैं। हम पहली बार ठीक से मिल रहे हैं, आज से पहले तो बस आते जाते टकराए हैं। तुम सीओ ली के साथ रहती हो ना, तो उनका ख्याल रखना। थैंक यू। हाँ ये तो मेरा काम है। वैसे इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, सच कहूँ तो सीओ ली से आपके बारे में इतना सुना है, वैसे हम पहले भी मिल चुके हैं गैलरी के पास में। हाँ मुझे याद है। हाँ आप इतनी सुंदर लग रही थी, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी, उसके बाद पता चला कि आप इनकी छोटी बहन हैं। तुम्हें पता है वो तुम्हें देवी बुलाती है। क्या कह रहे हो? वही तो मैंने उससे कहा, देवी जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। एक बार की बात है, जब तायरा स्कूल जा रही थी घर से निकलते ताईजू। अच्छा देवी माँ मुझे माफ करो। चुप करो। किम्बोरा मैं तुम्हें मोबाइल गेम की डेडलाइन दी थी, उसका क्या हुआ? मैं उस पे अभी भी काम कर रही हूँ। क्यों? चादो जिन ने हेल्प नहीं की तो कुछ समझ नहीं आ रहा है? हम यहाँ काम की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी काफी टाइम से यही कहना चाह रहा था, मैंने बोरा के काम को देखा है, मुझे लगता है प्लानिंग से ज्यादा वो मैनेजमेंट अच्छे से संभाल लेगी। आपको क्या लगता है सीईओ ली? मैं सोच रहा था इस महीने से मैं उसे अपने डिपार्टमेंट में रख लूं। तुम्हें क्या लगता है ये बेवकूफ वहाँ गलती नहीं करेगी? सीईओ काम की बातें करना बंद करोगी? बोरा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? चीयर्स। चीयर्स। मुझे भी शामिल करो। युचैन तुम क्या कर रहे हो? Cheers. तुम कितने साल की हो मिस बोरा? 24 साल की हूँ। 24? मेरा भाई तो तुमसे बहुत बड़ा है। एक बार फिर से सोच लो। लेकिन देवी माँ, नहीं नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की मिस छोटी बहन। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो या दीदी कह सकती हो? हाँ मिस तायरा दीदी, आपको गलतफहमी हुई, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि एक बार फिर से सोच लो। क्या? ये कलर कैसा है? हाँ अच्छा है। जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो यही कलर लगाया करती थी, पर अब कोरिया में ये कलर मिलता ही नहीं। इसके लिए अलग मेहनत। अगली बारी जब मैं ऑर्डर करूंगी ना तो तुम्हारे लिए भी मंगवा लूंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोरल शेड तुम पे बहुत जचेगा। ठीक है फिर चलो। मैंने पहले नोटिस नहीं किया कि तुमने एक जैसी टाई पहनी है। नहीं सिर्फ कलर डिफरेंट है पर पैटर्न सेम है। मैं कह रहा हूँ ना सेम नहीं है, मुझे तो तोहफे में मिली है बोरा की तरफ से।
टडा, ये डैडी लॉन्ग लेग्स है, क्या ये मेरे जैसा दिखता है? हाँ, वो दरअसल मैंने दोनों को एक ही प्रेजेंट दिया है, मेरी पहली सैलरी से। हैं? मतलब मुझे अकेले को ये तोहफा नहीं मिला है? देखा, आप मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारी टाइम है क्या? ये क्या है, रोबोट? नहीं, ये टिन मैन है, विज़र्ड ऑफ ऑज से। तुम डोरोथी हो और तुम टिन मैन हो, और वो क्यों? तुम्हें दिल चाहिए, अब इसका क्या मतलब हुआ? लोग सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल अपने दिल की वजह से ही होते हैं, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। मैं टिन मैन क्यों हूँ? क्या? मैं टिन मैन क्यों हूँ? अरे, टिन मैन में क्या बुराई है? भैया तो डैडी लॉन्ग लेग्स है। ये उससे तो कई बेहतर है, मैं इंसान जैसा भी हूँ और लंबा भी हूँ। अरे माफ कीजिएगा, मुझे अभी जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम है जो मैं भूल गई थी, बस इसलिए। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो दूसरी जगह भी जाना है। वही तो, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगली बारी फिर मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। यू चैन, किम्बोरा, मुझे याद आ गया, गेम्स के अलावा भी एक दुनिया है, हो सके तो तुम भी आर्ट पे ध्यान देना शुरू कर दो, आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का काम है। ये शूटर 2 है, आखिर में मैं इसके अलावा कुछ नहीं बना पाया। अंदर जाओ, मैं दो जिन के घर जा रही हूँ। तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड करती क्या है। तुम मुझे झूठ बोलने को बोल रही हो? हमारी मूल्यांकन टीम की मीटिंग अभी खत्म हुई, तुम्हारे DS प्रोग्राम को हमारे डिपार्टमेंट से फंडिंग करने की परमिशन मिल गई है। ये शूटर 2 है, आखिर में मैं इसके अलावा कुछ नहीं बना पाया।